अंता, मैं क्या सोच रहा था, हम लोग चार धाम की यात्रा पर चलते हैं और फिर। अरे रे, तो आप इतनी देर से यही सोच रहे थे? हाँ? मुझे तो लगा कुछ परेशानी है और आपके साथ चलना। बाप रे बाप, क्यों भाई? वो वृंदावन के मंदिर में आरती शुरू हुई तो ये जय श्री कृष्ण करके इतने आगे चले गए कि हम बिछड़ गए और किसी दूसरे का हाथ पकड़ लिया। अरे अरे सुनो भाई, ऐसा नहीं है। देखो क्या है, जब इंसान भक्ति में लीन हो जाता है ना, तो ऐसा ही होता है। समीर पटेल कौन है? मैं हूँ समीर पटेल। बोलिए। तुम्हारे पत्नी के मर्डर के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। अरे मैंने कुछ किया नहीं। अरे साहब, मेरी बात कर रही है, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे बेटे को बचाओ ना, देखो ना। आज के जमाने में जॉइंट फैमिली एक सपने की तरह से हो गई है और इसी सपने को सच साबित करता पटेल परिवार। जहां सब लोग एक साथ हंसी खुशी रह रहे थे, उसी परिवार में अचानक एक दिन पुलिस आती है और समीर को उसकी पत्नी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। इस मामले की तह तक जाने के लिए अतीत को खंगालना होगा। कौन है ये समीर पटेल और उसकी पत्नी की हत्या का सच क्या है? बन गया। हाँ बन गया, ले लो, मैं बाइक निकालता हूँ। हाँ? समीर। हाँ चलो। हाँ चलो। मैं निकलता हूँ, कल सुबह जल्दी काम पर जाना है। ओके सी यू। हाय, आई एम अलियोना, याद आया? रिमेम्बर? ओ यस, हाय, हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम यार। समीर, मैं प्रॉब्लम में हूँ, सिर्फ तुम मेरे को हेल्प कर सकता है। हेल्प करेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, बोलो। ये एड्रेस पे मैं हूँ, कल आना। ठीक है, मैं कल आता हूँ। समीर। हुँ? ये बाल किसका है? मेरा तो नहीं है। हल पता नहीं किसका है। अरे यार, इतना दिमाग क्यों दौड़ा रही हो? आ गया होगा कहीं से। सो जाते ना यार, कल सुबह जल्दी उठना है। हाँ, गुड नाइट। पापा क्या बना रहे हो? मैं अपनी गुड़िया के लिए बिल्डिंग बना रहा हूँ। ये देखो। समीर, समीर। हाँ आया, मैं अब भी आता हूँ। ओके। क्या हुआ? प्लीज ये बैग अलमीरा पे रख देना, बहुत भारी है। सलोनी, तुम फिर से पापा के फोन में गेम खेल रही हो? दो मुझे। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि सलोनी के हाथ में फोन मत दिया कीजिए।
दिन भर फोन में गेम खेलती रहती है। लेकिन मैंने इसे फोन नहीं दिया, इसे खुद ले लिया होगा। मैं तो यहाँ पर हूँ ना, तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। सलोनी, आइंदा से पापा के फोन में गेम नहीं खेलो। माँ, मैं गेम नहीं खेल रही थी। मुझे कुछ नहीं सुनना, आज के बाद से पापा का फोन तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। गौरव, तेरी प्रॉब्लम क्या है? ज्यादा बड़ी नहीं, सिर्फ 20,000। पागल समझा मुझे, मैं तुझे पैसे दूंगा? सोच लो, अगर वो फोटो भाभी के पास चली गई तो आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम से ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ये ले, शर्म आनी चाहिए तुझे, अपने भाई को ब्लैकमेल करता है। शर्म, बहुत कोशिश की पर आई ही नहीं। बाय द वे, पैसों के लिए थैंक यू। समीर, अभी उधर रहना अनसेफ है। आई डोंट नो मैं किधर जाऊं। मुझको लगता है कोई मुझको पीछा कर रहा है। मेरा लाइफ डेंजर में है समीर। रोज ऐसा लगता है कि आज का दिन लास्ट होगा मेरा लाइफ की। नहीं नहीं एलियाना, तुम ऐसा डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। एक काम करो, तुम अपना सामान पैक करो और चलो मेरे साथ। और बा बाबूजी, कैसी रही आपकी यात्रा? पूरे सफर में तो कोई परेशानी नहीं हुई, बस स्टेशन से घर आने में तकलीफ हो गई। समीर आने वाला था लेने के लिए, आया ही नहीं। कहाँ है समीर? नहीं आए, वो तो बोलकर निकले कि आप लोगों को लेने जा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, शायद कोई काम आ गया होगा। झूठ पे झूठ बोल रहे हो आप मुझसे। आपके शर्ट पे कहीं से बाल आकर अटक गया। माँ बाबूजी को स्टेशन लेने जाने वाले थे लेकिन नहीं पहुंचे। जब भी आपके फोन में मैसेज आता है तो आपके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। आप पक्का मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अरे यार अमिताभ, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा? तुम फालतू में मुझ पर शक कर रही हो। मैं बिजी था, नहीं जा पाया उन्हें लेने। अच्छा, ऐसे किस काम में बिजी थी कि आपका फोन स्विच ऑफ था? मैं 2 घंटे तक आपका फोन ट्राई कर रही थी लेकिन नहीं लगा। आखिर आप क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना तो एक काम करते हैं, कल से 24 घंटे तुम मेरे साथ रहना। जहां जाऊंगा जो काम करूंगा तुम मेरे साथ रहना, ठीक है? लेकिन प्लीज भगवान के लिए अभी चुप हो जाओ, बच्ची सो रही। माँ बापूजी, ये एलियोना है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, रशिया से है। एक्चुअली क्या है ना कि इसके पासपोर्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ये वापस चली जाएगी, लेकिन तब तक ये हमारे साथ ही रहेगी। हाय। जय श्री कृष्ण। अमिताभ, इन्हें गेस्ट रूम में ले जाओ। शील टेक यू। शंकर, बैग ले लो। कांता, मेरा नाश्ता मेरे कमरे में ही भिजवा देना। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यू बहुत ब्यूटीफुल। Your name also. आप मुझसे हिंदी बोल सकते हैं।
मैं समझती हूँ, बोलती भी हूँ थोड़ा थोड़ा। You know हिंदी थोड़ा थोड़ा, I know English थोड़ा थोड़ा। बड़ी अंग्रेजी झाड़ी जा रही थी उस तिरंगन के सामने, है? जोक पे जोक सुनाए जा रहे थे। मेहमान छे, खातिरदारी तो करनी पड़ेगी ना। सारी जिम्मेदारी तो तुम्हारी है। उस हिसाब से बाबूजी तो तुम्हारे बिल्कुल बदतमीज हुए, वो तो उस फिरंगन की तरफ देखते भी नहीं है। देखा नहीं तुमने? ओ समीर, I'm really happy. Oh, okay, okay. I'm ready. Yeah, yeah. समीर मुझे पिक करने आ रहा है पासपोर्ट ऑफिस के लिए। गौरव, मुझे घर के लिए मार्केट से कुछ सामान मंगाना था। अरे हो ना, हाय, तुम पासपोर्ट ऑफिस जा रही हो ना, कैन आई ड्रॉप यू? मैं भी उसी ओर जा रहा था, कुछ काम था मेरा, तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी ड्रॉप कर दूं। नो थैंक्स, समीर आ रहा है, मुझे पिक करना है। गौरव, वो मार्केट जाना था सामान लेने। शंकर को भेज दो, मैं बहुत थक गया हूँ। I think we have the right papers. Let's leave. Amita. अच्छा सुनो, मुझे आते वक्त थोड़ा लेट होगा, डिनर तक आता हूँ। केम घड़ी-घड़ी आने पाछर फड़े छे। तारो सु माथू खराब थई गयो छे। हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालती हो? इसके पहले भी इसके सारे काम हाथ पकड़ के करवाते थे, जब देखो तब उसके पीछे घूमते रहते हो। अमिता यार छोड़ो यार। एलियोना, लेट्स गो, कम। अमिता ने क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, वो कह रही थी कि डिनर तक वापस आ जाए। कम, वी गेटिंग लेट। रिक्शा, इस बाइक के पीछे चलो। एलियोना, तुम अमिता के बारे में कुछ भी मत सोचो, वो बस थोड़ी सी इनसिक्योर है और कुछ भी नहीं। नॉट ओनली अमिता, घर में सबको मेरे आने की वजह से प्रॉब्लम है, स्पेशली घर की लेडीज। समीर, मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊं? नहीं यार, कैसी बात कर रही हो, कहीं शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी थोड़े दिनों की तो बात है, डोंट वरी। थैंक यू। कहते हैं इंसान को उसकी जुबान से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचानना चाहिए। किस परिस्थिति में कोई इंसान किस तरह से बर्ताव करता है, इससे उसको और उसके व्यक्तित्व को जांचा जा सकता है। अल्योना के घर में आने से घर के सभी मर्दों के ईमान डोल गए थे, और दूसरी तरफ थी घर की महिलाएं जो इस भूचाल में अपनी गृहस्थी को डगमगाते हुए देख रही थी। अमिता की समस्या इससे भी बड़ी थी, उसके मन में शक पैदा हो गया था जो यकीन में बदलता जा रहा था कि समीर और अल्योना का दोस्ती से परे जरूर कुछ और भी संबंध है। पर वो संबंध क्या थे, कौन थी अल्योना, अचानक कहां से और क्यों आ गई थी, किस वजह से उसकी जान खतरे में थी, और समीर उसे इस खतरे से कैसे बचा सकता था? क्या समीर वाकई सिर्फ दोस्ती के नाते निस्वार्थ भाव से अल्योना की मदद कर रहा था, या बात इससे कहीं और गहरी थी, और इस गहराई के परिणाम क्या हो सकते थे? क्या यह किसी भयानक अंत की शुरुआत थी जिसकी आहट किसी ने नहीं सुनी थी? बस बहुत हो गया, अब इस फिरंगन का कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। अमिता, अगर तुमने शुरू से ही समीर पर नियंत्रण रखा होता ना, तो आज ये नौबत ना आती। जबरदस्ती हमारे सिर पे बिठा रखा है फिरंगन को लाके। भाभी, आपका रसीक भाई पे कितना कंट्रोल है, वो तो सबको दिख ही रहा है। अमिता, अगर खुद के कपड़े गंदे हो ना, तो जरूरी नहीं है कि दूसरे के कपड़ों पे भी कीचड़ उछाली जाए। मैं कीचड़ नहीं उछाल रही, सच बोल रही हूँ। क्या आपको नहीं पता रोज शाम को 7 बजे रसीक भाई घर पर आकर क्यों बैठ जाते हैं? मुझे तो लगता है पूरे के पूरे कुएं में ही भांग मिली हुई है।
कहाँ जा रहे हो आप? प्यास लगी है, पानी पीने जा रहा हूँ। क्या हुआ? बेशरम, शरम नहीं आई तुझे? देखो अलोन, मैं मानती हूँ कि तुम इस वक्त बहुत ज्यादा मुसीबत में हो, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारा पूरा परिवार बिखर रहा है, तो प्लीज तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, प्लीज। एक मिनट, इतनी रात को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन समीर, तुम कल सुबह ही इसके लिए कोई और इंतजाम करोगे। पर बस, और तब तक निधि बहू, तुम इसके साथ इसके कमरे में जाके सो। अल्योना एक विदेशी लड़की जिसने किसी मुसीबत में होने की वजह से पटेल परिवार के घर में पनाह ली थी, उस सभ्य परिवार के सभी लोगों के चेहरे से सभ्यता का नकाब उतर चुका था। दूसरी तरफ था समीर, जो अल्योना के लिए अपने पूरे परिवार से लड़ाई कर रहा था, पर किस वजह से वो अल्योना के लिए ढाल बना हुआ था, या फिर समीर ये सब सिर्फ इंसानियत की वजह से कर रहा था? इन सभी सवालों के जवाब शायद मिलने वाले थे, लेकिन वो जवाब जिस शक्ल में सामने आने वाले थे वो और भी भयानक था। समीर पटेल कौन है? मैं हूं समीर पटेल। बोलिए। तुम्हारे पत्नी के मर्डर के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। अरे मैंने कुछ किया नहीं। अरे मेरी बात कर रही है, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे बेटे को बचाओ ना, देखो ना। समीर, एलियोना आपकी पत्नी थी? नहीं सर, पत्नी नहीं थी, सिर्फ दोस्त थी। मतलब आप उसे जानते थे, मिले थे उससे, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो इसकी पत्नी नहीं थी? क्योंकि इसकी पत्नी का नाम एलियोना नहीं है, अमिता है। ये उसका नंबर है, आप चाहे तो उसे फोन पर बात कर सकते हैं। वो फिलहाल अपने मायके में है, रिश्तेदार की शादी के लिए गई है। यादव, फोन लगाओ इस नंबर पे। सर, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मिस्टर हसमुख पटेल, या तो समीर आपसे झूठ बोल रहा है या आप सब लोग पुलिस से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि एलियोना समीर की पत्नी होने का सबूत है हमारे पास। सर, अंदर डाल इसको। और आप लोग प्लीज घर जाइए, अभी हमारा मेहमान है। सर मेरी बात सुनिए सर, एक बार। चलिए। सर मैंने कुछ किया नहीं है सर, प्लीज। यादव, एक रशियन लड़की एक इंडियन लड़के से शादी करती है, उस लड़के के घर वालों को शादी के बारे में कुछ पता नहीं है, और फिर वो दूसरी शादी करके एक लड़की को घर लाता है। सर लेकिन इसकी दूसरी शादी तो गैर कानूनी है। एलियोना को पूरा पटेल परिवार जानता है, उसका मर्डर हुआ ये किसी को पता नहीं चला, वो भी इतनी बेरहमी से। सर, एलियोना के सीने पर चाकू से लगातार वार किए गए, खून बहने की वजह से उसकी मौत हुई है। डेड बॉडी के आसपास कोई हथियार भी नहीं मिला। बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हुई है, इसका मतलब है मर्डर 2-3 दिन पहले किया गया। तुमने उसका होटल में पूछताछ की थी ना, कुछ पता चला वहां से? सर मैंने वहां पर भी पूछताछ की,
लेकिन उस होटल में एलियोना ने पहली बार चेक इन किया था, इसलिए वहां कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। हाँ सर, लेकिन एलियोना के बैग से जो 2 लाख रुपए हमने बरामद किए, मैंने फिंगरप्रिंट्स के लिए वो भेज दिए। ये पटेल परिवार के हर मेंबर की मोबाइल टावर लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड सब मंगवाओ, सबसे पूछताछ करो, कोई छूटना नहीं चाहिए। ये समीर जितना सीधा बन रहा है उतना है नहीं, 2 शादियां की हैं इसने। और एक बात सर, जिस दिन एलियोना का मर्डर हुआ उसी दिन समीर की दूसरी पत्नी मायके चली जाती है, कुछ अजीब नहीं है ये? उस पर नजर रखो और जैसे ही वो वापस आए उसे पूछताछ करो, प्रॉब्लम तो है इस फैमिली में। सिर्फ समीर नहीं, आप सब लोगों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। आप सबको पहले से ही पता था कि फिरंगन उसकी पत्नी है। आप सब लोगों ने मिलकर मुझे धोखा दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं इसे लेकर? अमिता विश्वास करो, हमारा पूरे घर में किसी को पता नहीं था कि समीर ने उससे शादी कर ली है। और ये वक्त रोने का घबराने का नहीं है, उसे तुम्हारी जरूरत है, हम सबकी जरूरत है। देखो घर के झगड़े तो हम बाद में भी निपटा सकते हैं ना, पर अभी समीर को बचाना बहुत जरूरी है, इस बात को समझो तुम। मुझे समीर पटेल की दूसरी बीवी अमिता से बात करनी है। एलियोना और समीर के बारे में आप क्या जानती हो, मतलब उन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा था? एलियोना समीर की सिर्फ दोस्त थी, मैं बस इतना ही जानती हूँ। समीर ने हमेशा हमसे ये कहकर मिलवाया कि वो उसकी अच्छी दोस्त है। समीर, मैंने खुद अपनी आंखों से तुम दोनों को गले मिलते हुए देखा। यार अमिताभ, यार गले मिलने से चक्कर चलने लगता है क्या? मुझे कुछ नहीं सुनना, उसे अभी के अभी हमारे घर से निकालो, नहीं तो ये सफेद चुड़ैल हमारा घर तोड़कर जाएगी। यार इस घर की सारी औरतों को उसके सफेद रंग से क्या प्रॉब्लम है? उसके सफेद रंग के साथ उसका अपना दिमाग है, एक अपनी लाइफ है, और उसकी लाइफ में ढेर सारे प्रॉब्लम्स है। जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी वो खुद यहाँ से चली जाएगी और तुम्हारी सफेद चुड़ैल कब भी नहीं दिखेगी। ओके ओके। और जब से वो यहाँ रहने आई तब से इस घर के मर्द पागलों की तरह उसके पीछे घूम रहे थे। जिस दिन एलियोना का कत्ल हुआ उसी दिन आप भी अपने मायके चली गई थी। आप ये कहना चाहते हैं कि मैं? तुम्हें पता है तुम अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हो। तुमने 2-2 शादियां की और जब वो दोनों एक दूसरे के बारे में जान गई तो तुम्हारे लिए मुसीबत बन गई, और उन दोनों में से एक को तुमने बड़े आराम से अपने रास्ते से हटा दिया। सर मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैंने किसी को रास्ते से नहीं हटाया, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। अगर तू आराम से हमें बताएगा कि तूने एलियोना को क्यों मारा तो तकलीफ तुझे ही कम होगी, वरना उगलवाने के तो बहुत सारे तरीके हमें आते हैं। सर मैंने एलियोना को नहीं मारा, मैं तो किसी को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मार नहीं सकता लेकिन 2-2 शादियां कर सकता है। अब ये 2-2 शादियां तेरे गले का फंदा बनेंगी। एक के मर्डर के इल्जाम में तू यहाँ बैठा है और दूसरी मतलब अमिता तुझ पे केस करने वाली है। देख अगर इस सच के बदले तूने एलियोना के बारे में हमें बताया तो हो सकता है हम तुम्हारी कुछ मदद कर पाए, लेकिन अगर अब भी तुमने पुलिस से झूठ बोला तो तुम्हारी बची कुची इज्जत भी चली जाएगी। ठीक है सर, मैं आपको सच बताता हूं, सब कुछ बताता हूं। 6 साल पहले एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम नाम का कोर्स कर रहा था मैं, मेरी मुलाकात वहीं एलियोना से हुई। वो यहां पर स्टूडेंट वीजा पर आई थी, उसकी टूटी फूटी हिंदी और इंग्लिश की वजह से हम दोनों की पहले बात हुई और उसके बाद हम धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। तामीर, मेरा वीजा एक्सपायर होने वाला है, आई डोंट वांट टू गो बैक, वहाँ कोई काम नहीं मिलेगा मुझे, फैमिली को सपोर्ट करना है, इधर ही रहना है। अरे तो प्रॉब्लम क्या है, अपना वीजा पढ़वा लो। इट्स नॉट पॉसिबल, पर एक रास्ता है, अगर मैं किसी इंडियन को मैरिज कर लूँ तो मैं इधर स्टे कर सकती हूँ परमानेंट। वाह ये तो अच्छी बात है, तो कर लो ना शादी। विल यू मैरी मी? जस्ट योर नाम, मैं चली जाऊंगी उसके बाद। प्लीज समीर, आई वोंट मीट यू एवर, प्लीज। ओके रियली? बस सर, उसके बाद हमारा कोर्स पूरा हो गया और उसके वादे के अनुसार वो ना वो कभी मुझे मिली
ना ही कभी मैंने उसके बारे में सुना। फिर इन दिनों अचानक वो मेरे सामने आकर खड़ी रह गई। तो सर मेरा यकीन मानिए, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, और मैं अपनी दोस्त का खून क्यों करूंगा सर? क्योंकि वो तेरे गले की हड्डी बन गई थी। वो तुम्हारे पास आना चाहती थी, जिसकी वजह से तुम्हारी बीवी तुमको छोड़ के जा सकती थी। तुमने उसे खुद से दूर जाने के लिए पैसे भी दिए। पैसे? वो 2 लाख जो उसके बैग से मिले, उन पर तुम्हारी उंगली को निशान थे, और पैसे देने के बावजूद भी जब वो चुप नहीं बैठी, तब तूने उसे मार दिया। अल्योना से जुड़ी कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं थी, और जानकारी का एक ही जरिया था, वो था पटेल परिवार। सबूत के तौर पर पैसों पर समीर और उसके बड़े भाई रसिक की उंगलियों के निशान मिले थे। बैंक से डिटेल मिलने पर पता लगा कि ये पैसे रसिक ने दुकान के अकाउंट से निकाले थे, पर समीर का कहना था कि उसने ये पैसे अल्योना को दिए ही नहीं, तो आखिर ये पैसे उसके पास पहुंचे कैसे? क्या रसिक का भी अल्योना के कत्ल से कोई संबंध हो सकता था, या फिर पटेल परिवार के और भी सदस्य इस कत्ल से जुड़े थे? इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए पुलिस ने समीर के पड़ोसियों से पूछताछ करने की ठानी। नहीं सर, पहले कभी झगड़े की आवाज तक नहीं आई। जिस दिन वो फिरंगी लड़की, क्या नाम था उसका, अल्योना घर से गई थी, उससे एक रात पहले घर से खूब चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। किसी बात पे बहुत बुरा झगड़ा था साहब। बेशरम, शर्म नहीं आई तुझे? शर्म! अरे यार, कैसे गला फाड़ कर चिल्ला रहे हैं, अंदर जाके देखें क्या? जाने दो, उनके घर का मामला, हम क्यों बीच में पड़े? अरे यार, मैं कौन सा बीच में पड़ रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारी नींद क्यों खराब कर रहे हैं। हाँ, चैन से सोने भी नहीं देते, रात भर डिस्टर्ब करके रखते हैं। क्या हुआ था ये तो पता नहीं, लेकिन गौरव की वजह से झगड़ा हुआ था। वो है ही ऐसा साहब, एक नंबर का आवारा, काम धाम तो कुछ करता नहीं, भाइयों से पैसे लेकर लड़कियों को उड़ाता। यादव, अल्योना के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक सारे कॉल, आउटगोइंग इनकमिंग, सारे नंबर पटेल फैमिली की है। सर, रिकॉर्ड देखकर तो यही लगता है कि अल्योना इनके अलावा और किसी से बात ही नहीं करती थी, ना ही किसी को कॉल किया है। और समीर के मोबाइल से जितने भी कॉल आए और गए, लगभग उतने ही कॉल गौरव के भी है। पर यादव, मर्डर के टाइम गौरव और समीर दोनों का टावर लोकेशन होटल से काफी दूर है। एक काम करो, एक गौरव को उठाओ। अल्योना के मर्डर केस में सस्पेक्ट्स की लिस्ट बढ़ती जा रही थी। यूं तो पूरा पटेल परिवार पुलिस की हिट लिस्ट पर था, लेकिन गौरव का नाम उभर कर सामने आया था। ये जानने के बाद कि गौरव काफी अय्याश किस्म का इंसान है, और लड़कियों को खिलौना समझना उसकी आदत है। एक लड़की के मामले में तो बात अबॉर्शन तक पहुंच गई थी, जिसे बाद में गौरव ने धमकी और पैसे देकर चुप करवाया था। और अल्योना के फोन रिकॉर्ड्स भी बता रहे थे कि उन दोनों के बीच में काफी बातचीत होती थी। पुलिस का शक गौरव पर और गहरा हो गया था, और इसीलिए उन्होंने गौरव से पूछताछ आगे बढ़ाई। इससे पहले कि मैं तुझसे बुलवाने की ठान लूं, सच बोल। कॉल रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि तू दिन रात उसे फोन किया करता था। नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूं, मैंने उसे कभी कॉल नहीं किया। बता दो सर, बता दो, मारो मत सर, सब सच सच बता दो, मारो मत। अल्योना, हाय, हे, इट्स गिफ्ट फॉर यू, तुम्हारे लिए है, लो ना। मैंने बोला था नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? Why don't you understand? Please go. अरे, तुम्हें मेरा गिफ्ट नहीं चाहिए? ऐसा क्या है समीर भैया में जो तुम उसके साथ चिपकती हो और मुझसे दूर भागती हो? हे, बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, प्लीज ले लो। अगर दोबारा ऐसा किया तो समीर को बोलूंगी, चीप डर्टी। सर, उसने मेरी बहुत बेइज्जती की थी, वो मुझे सती सावित्री होने का राग दे रही थी। फिर मुझे पता चला कि समीर भैया ने उसे पैसे दिए, तो मैंने सोचा मैं भी पैसे दूं तो वो मान जाएगी, तो मैंने उसे पैसे भी ऑफर किए सर, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। और इसी बात का बदला लेने के लिए, और जो तुझे चाहिए था वो तुझे मिल नहीं रहा था, इसी वजह से तूने उसको मार दिया। सर, मैं यकीन करो, मैंने उसे नहीं मारा। और सर, जब से वो हमारे घर से गई है, उसके बाद से मैंने उसे कभी देखा भी नहीं सर।
मिस्टर समीर आप जा सकते हैं, मिस्टर रसिक आप नहीं। क्यों सर? मिस्टर रसिक, ये आपकी दुकान के बैंक अकाउंट के डिटेल्स हैं। झूठ बोलने की तो सोचना भी मत, क्योंकि हमें पता है कि ये 2 लाख रुपए तुमने अपने अकाउंट से निकाले और यही 2 लाख रुपए एलियोना के पर्स से बरामद हुए जिस पे तुम्हारे उंगलियों के निशान मिले हैं। अब सीधे और सच बता, ये पैसे एलियोना के पास कैसे आए? सर मुझे लगा कि ये पैसे समीर ने एलियोना को दिए थे। एक दिन उसने मुझसे कहा था कि एलियोना बहुत मुसीबत में है और उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है, तो मैंने पैसे अकाउंट से निकाले और दुकान में रख दिए थे। और जब अगले दिन आकर उस जगह पे देखा तो पैसे नहीं थे। मुझे लगा कि समीर ने एलियोना को दे दिए होंगे। तुमने समीर से पूछा नहीं पैसे दिए या नहीं? सर उतना मैंने ज़रूरी नहीं समझा। पटेल परिवार के लगभग सभी पुरुष किसी न किसी रूप में एलियोना से जुड़े थे। गौरव ने एलियोना का फायदा उठाना चाहा था, रसिक ने जो बैंक से पैसे निकाले थे वह एलियोना के पास मिले थे, और समीर उसने तो एलियोना को कानूनन अपनी पत्नी बनाया था। इनमें से कोई तो था जो पुलिस से झूठ बोल रहा था और जिसका ताल्लुक एलियोना के कत्ल से था, या फिर इनके अलावा कोई और भी था जो एलियोना के कत्ल को अंजाम दे चुका था और अब तक पुलिस की नजरों से बचा हुआ था। संदिग्ध गई थे लेकिन सबूत किसी के खिलाफ नहीं था, और फिर पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने सबके होश उड़ा दिए। सर एलियोना के दूसरे नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। ये नंबर देखिए सर किसका है। पटेल फैमिली के इस मेंबर के बारे में हमने सोचा ही नहीं था। यादव हम जो सोच रहे थे मुझे लगता है ये केस उसका उल्टा ही निकलने वाला है। उठा लो इसको, खातिरदारी करते हैं इसकी। कितनी हैरानी की बात है कि हम तुम्हारे बेटों से पूछताछ करते रहे और तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। अब तू अपनी कहानी खुद सुनाएगा या हम सुनाएं? बता दो सर, सब कुछ सच सच बता दो। मीरा रोड में एक इवेंट के नाम पर एक एस्कॉर्ट एजेंसी है। मैं एक बार वहां चला गया और तब से मुझे रशियन लड़कियों की लत सी लग गई। मैं अक्सर एलियोना के पास जाता था सर, मैं उसका रेगुलर क्लाइंट था। कुछ दिनों के बाद एजेंसी वालों ने एलियोना की जगह पे किसी और लड़की को भेजना शुरू कर दिया सर। शायद ये उनका पॉलिसी हो। एलियोना का नंबर भी चेंज हो गया था सर। उसके बाद तो मैंने सीधा उसे समीर के साथ अपने घर में देखा सर। सर मैं तो बस इतना चाहता था कि वो जल्द से जल्द मेरे घर से चले जाए सर, लेकिन मैं उसे मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता सर। मैं सच कह रहा हूँ सर, उसके मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। यादव ये पटेल परिवार का हर मर्द कुछ ज्यादा ही रंगीन है, क्यों नहीं मार सकता तू उसे? अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी असलियत छुपाने के लिए तुमने उसे मारा होगा। बिल्कुल मार सकता है तू उसे, कत्ल का मकसद भी है तेरे पास। चल अब बता कैसे मारा उसे। मैं सच कह रहा हूं, मैंने नहीं मारा है उसे। और सर आप लोगों से एक और विनती है, मेरे परिवार वालों को इसके बारे में कुछ और बताइएगा सर, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा सर। एक लड़की की जान चली गई और तुझे अपनी इज्जत की पड़ी है, इसे यहीं बिठा के रख दो। सर आपको क्या लगता है यह सच बोल रहा है? पता नहीं, पता करना पड़ेगा। एलियोना के कत्ल का किसी को कोई दुख नहीं था, सब सिर्फ अपना बचाव चाहते थे, लेकिन पुलिस के पास किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। आखिरकार पुलिस ने पटेल परिवार के हर सदस्य पर निगरानी रखने के लिए अपनी टीम लगा दी। पुलिस इस केस को हल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। सर वो मंदिर के अंदर गई।
अंदर जाऊं या यहीं इंतजार करूं? अंदर जाओ, एक मिनट के लिए भी नजर मत हटाना। यस सर। सर, मुझे और तो कोई बात अजीब नहीं लगी, लेकिन एक बात जरूर अजीब थी कि मलाड से रोज मीरा रोड मंदिर जाना, जबकि मलाड में भी बहुत सारे मंदिर हैं। यादव, चलो इस पुजारी से मिलते हैं। इस औरत को आप जानते हैं? हाँ, ये अपने पति के साथ मंदिर आते हैं, दोनों पति पत्नी पूरा सत्संग सुनते हैं, फिर कुछ देर मंदिर में बैठते हैं और फिर चले जाते हैं। हाँ, अभी कुछ दिन पहले दोनों में किसी बात को लेकर तू-तू में जरूर हुई थी। आपके मंदिर में सीसीटीवी लगा है? हाँ है ना। बहुत घुमाए इन लोगों ने। यादव, इन दोनों को एक साथ उठा के लेके आओ। हमें पता है तुम्हारा और गौरव का नाटक, पति पत्नी बन के मंदिर जाना और भी बहुत कुछ। हमें सिर्फ ये पता करना है कि तुम दोनों ने एलियोना के साथ क्या किया, उसे क्यों और कैसे मारा। सर, ये आप मुझसे क्या और क्यों पूछ रहे हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मतलब तुम आसानी से नहीं बोलोगी। रेखा में सर, यादव को बोलो उसको कुछ खर्चा पानी दे, हड्डियां तोड़ दो उसकी। ओके सर। अगर तुझे सचमुच की मार नहीं खानी है तो चिल्ला, जोर से चिल्ला, चिल्ला। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज प्लीज उसे मत मारिए, प्लीज। मैं आपको सब सच सच बताने के लिए तैयार हूँ। उसे मत मारिए, प्लीज मत मारिए उसे, प्लीज। रुक जाओ यादव। मैं और गौरव एक दूसरे से प्यार करते थे। गौरव, तुम घर वालों को हमारे बारे में कब बताओगे? क्या कब बताओगे? अरे, हमारे बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में। मैंने अब तक तुम्हारा इंतजार किया है, और तुम जानते हो ना, मेरे घर वाले भी कब से मेरे पीछे पड़े, दूसरी शादी कर लो। तो कर लेती हूँ, क्यों नहीं की? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्लीज यार, ये प्यार व्यार का नाटक प्लीज बंद करो। मैं सब जानती हूँ, तुम उस फिरंगन के चक्कर में यही सब कर रहे हो ना। अच्छा हुआ तुम खुद ही समझ गए, वरना मैं ही तुम्हें बताने वाला था कि अब बहुत हो गया, अब तुम ये रिश्ता विश्ता सब भूल जाओ, खुद आगे बढ़ो और मुझे भी आगे बढ़ने दो। हाय, तुम पासपोर्ट ऑफिस जा रही हो? कैन आई ड्रॉप यू? मैं भी उसी ओर जा रहा था। एलियोना मेरे और गौरव के बीच कांटा बन चुकी थी। देख रही हूँ मैं कि किस तरह उस फिरंगन के पीछे लार टपका कर घूमते रहते हो। एक बात कान खोल कर सुन लेना, मैं उस चुड़ैल के साथ तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इसीलिए मैंने शंकर की मदद ली और हेलो, काम हो गया। ठीक है मारिक, लेके जाओ इसको। कहते हैं प्यार दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है, इसके जिंदा रहने से ईर्ष्या द्वेष जैसी चीजों से खुद ब खुद मुक्ति मिल जाती है। तो फिर निधि अपने आप को इस बेवजह की नफरत से अलग क्यों नहीं कर पाई? वो इसलिए क्योंकि वो जिसे प्यार समझ रही थी वो प्यार था ही नहीं,
वो दरअसल पागलपन, हवस और अकेले रह जाने के डर का कुछ मिला जुला रूप था। इस पागलपन, हवस और नाजायज रिश्तों की लड़ाई में बेचारी अल्योना बेवजह हार गई। वो अल्योना जो अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए हर पल मरना कबूल करती थी, वो जो रोज नए शर्मनाक समझौते करती थी और सभ्य समाज की नजरों में गिरी हुई थी, वो सभ्य समाज जिसे हसमुख पटेल के परिवार जैसे लोग बनाते हैं, जिनका अपना रोम रोम पाप के हाथों बिक चुका है। इस पूरे जायज नाजायज रिश्तों के खेल में घाटा सिर्फ अल्योना और समीर को उठाना पड़ा। अल्योना ने इस नुकसान की भरपाई अपनी जान देकर की और समीर ने अपनी दोस्त गवाकर। समीर जो अल्योना की मदद करना चाहता था, एक सीधा सच्चा इंसान था, उसे शायद अब किसी रिश्ते पर कभी भरोसा नहीं होगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को सीख हम सबको। जय हिंद। इफ यू वॉन्ट टू एंजॉय मोर देसी क्राइम कॉन्टेंट लाइक दिस, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। स्टे कनेक्टेड विद अस।